हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर टाइकवोनी। सर, आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है ट्रिपल साइट के ऊपर, क्योंकि मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि जो है ट्रिपल साइट का जो वीडियो है कमिंग सून में, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस किक का ट्यूटोरियल। तो बिना टाइप के लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर टाइकवोनी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कीजिएगा फॉर डेली अपडेट। तो सबसे पहला क्या है कि आपको ये किक करने के लिए आपको एक फ्लाइंग किक आना चाहिए, जिसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, नीचे लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले आपको फ्लाइंग किक, ठीक है, फ्लाइंग किक जब कर लोगे अच्छे से, देन आप जो है ये वाला किक कर पाओगे। तो इसमें क्या रहता है, हमें तीन किक मारने हैं, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से। पर हमें अभी ट्राई करना है कि कैसे हम तीन किक निकालें। तो सबसे पहले दो किक ट्राई करेंगे, ठीक है, राइट से और फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट करके प्रैक्टिस करेंगे पहले दो किक की। तो पहले क्या करना है, आना है रनिंग जंप ऐसे, इसमें किक, फिर इससे हवा में होते टाइम पे ये किक करना है ना, जंप के साथ आया, ठीक है, इस तरीके से। पर इसमें हमारा क्या होता है, जब इस तरीके से ये मारने की कोशिश करते हैं तो हमारा बॉडी टर्न हो जाता है, टर्न नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, दौड़ते हुए आना है, तीन स्टेप करेंगे हम, क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे, तीन स्टेप, 1 2 3, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ये वाला ट्राई करेंगे जो अभी हमने बताया था 1 3 ये वाला, तो ये वाला गलत हो जाता है, उससे वो घूम नहीं पाएगा। पर स्टार्टिंग दो के लिए वो सही है, फिर तीन करने के लिए हमें तीन क्लाइंबिंग सीखना है, 1 2 3 क्लाइंब करना है, ठीक है। ऐसे करके तीन बार पैर मारने की कोशिश करना है, तीन क्लाइंब, 1 2 3, थ्री स्टेप जो है क्लाइंब करना है फिर से, ठीक है, तीन हुआ ये क्लाइंब करना। अब इसमें क्या करना है, हमें क्लाइंब तो ऐसे करना है 1 2 3, बट हमें किक क्या करना है 1 2 3, क्योंकि तीन स्टेप मारना है, राइट से फिर लेफ्ट से फिर राइट से। तो हम क्या करेंगे, दौड़ते हुए आएंगे, राइट मारना है और राइट से जैसे राइट लेग इसमें टच होगा वॉल पे, जंप करना है, ठीक है, जंप, राइट लेग रखते इससे जंप, फिर देन हवे में इसी से, फिर इससे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ट्राई करेंगे। तो पहले जितना हो रहा है उतना कोशिश करो, देखो नीचे से स्टार्ट करना है, जितना नीचे से कर सकते हो, देखो नीचे से धीरे धीरे करके फिर इसको हाइट में लेके जाएंगे और टेक्निक सही करेंगे। हमारा किक हो रहा है पर टेक्निक गलत हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, बस पंजा टच हो रहा है, हमारा पंजा टच नहीं होगा, पूरा पैर ऐसे रखना है, पूरा पैर बराबर फिर बराबर, तब जाके हमारा जो रहेगा एकदम परफेक्ट ट्रिपल साइड किक होगा। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, ऐसे करके करके रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। और याद रखना, दौड़ते हुए आए तो हमें ये टेक्निक ये वाला करना जरूरी है, इससे क्या होगा, हमारा जंप मिलेगा और किक भी अच्छे से परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, दौड़ते हुए आना है, फोल्ड ओपन फिर किक फिर ओपन, ये जो फर्स्ट किक रहेगा, किक करने के बाद वापस खींचना है ताकि ये किक से मार सके फिर ये मार सके, ठीक है। दौड़ते हुए 1 क्लोज फिर इससे एयर में फिर इससे एयर में, फिर देन आपके जो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो ट्रिपल साइड किक हो जाएगा। और दौड़ते हुए आने पे ये बॉडी पोज आप अच्छे से दे सकते हो, जैसा आपको जो है हैंड मूवमेंट देना रहेगा। एक और बार, ठीक है। और इसको जो है आप एयर में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज एयर में करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, देखो ऐसे करके एयर में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा ये। आपको क्या करना है, पहले वॉल पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास किक बैग है तो उसमें ट्राई कर सकते हो, देन आप जो है हवा में कोशिश कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डेमोंस्ट्रेशन दिखाओगे तो डेमोंस्ट्रेशन में क्या होगा कि आपको जो ओपोनेंट को पावरफुल हिट नहीं करना रहेगा, वो ओनली शो ऑफ के लिए टचिंग करना रहता है। दैट्स व्हाई आपको जो है प्रैक्टिस करना है कि जितना हो सके हल्का टच करके जो आपका ये किक निकले, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, आई होप आपको आज का जो वीडियो
पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।